खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नवादा लोकसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से विभा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं एनडीए की ओर से एलजेपी के प्रत्याशी चंदन कुमार चुनावी मैदान में हैं, जो कि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं। सूरजभान जी, चुनावी लड़ाई कैसी नजर आ रही है आपको? टक्कर है या आप लोग जीत रहे हैं? टक्कर कहाँ, किससे? पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज है, सिर्फ देश के चौकीदार कौन हो तो मोदी जी हो। विभा देवी के साथ भी, चूंकि उनके पति को जेल भेजा गया है, तो उनके साथ भी कुछ आपको लगता है कुछ समर्थन होगा? मैं जिससे कि कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, ये खुद जनता जज बन के, जिससे कि आप जज बनिए कि कितनी उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, इस चीज को अपने जज बन के आप किन मुद्दों पर आप लोग जनता के बीच गए हैं, जनता से क्या उम्मीदें हैं कि किन मुद्दों पर वोट देंगी आप? देश की विकास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति, जनता के घर घर तक डायरेक्ट बीज का जितने थे वे हट गए, डायरेक्ट खाता से जोड़ दिए, गरीबों तक जुड़ गए, डायरेक्ट जुड़ गए, किसी बिचौलिया को नहीं रहने दिए, एक ही आवाज है पूरे देश। महागठबंधन के उम्मीदवार कहीं टक्कर देंगे आपको लगता है? महागठबंधन में जैसे दो को सीटा ना अभी बिकेगा बिहार में, कहां आप लोग जैसे तो महागठबंधन के उम्मीदवार को पूरी तरीके से दरकिनार कर रहे हैं सूरजभान सिंह और दावा कर रहे हैं कि इनके छोटे भाई और एनडीए के प्रत्याशी चंदन कुमार की नवादा लोकसभा सीट से जीत होगी। मेरे सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज नवादा।